आज रात किचन रेसिपी में बनाएंगे राजस्थान की फेमस मिक्स वेजिटेबल कड़ी। ओ हो, कड़ी मिल जाए ये वाली तो उंगलियां प्लेट, और मेरे घर में बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और ये जो कड़ी है ये मेरी मम्मी बनाती है, बस मैं मम्मी का वो बताया हुआ ही फॉलो करने वाला हूँ। आप कहाँ से वीडियो देख रहे हैं नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी बटन दबा के ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट कर लीजिए ऐसी ही रेसिपी पाने के लिए, क्योंकि मेरे चैनल पर अभी काफ़ी रेसिपी है। उन्हें देखिए, बनाइए, खिलाइए और तारीफ पाइए, क्योंकि जो मज़ा खिलाने का है वो खाने का नहीं है, क्योंकि जब तारीफ कोई करता है तो मज़ा ही आ जाता है। तो यहाँ पर देखिए ग्वार फली ली हमने, ये देखिए अब गिन नहीं सकते इसे, तो हमने कल 30 ग्राम के आसपास ग्वार फली ली है, और यहाँ पर 30-35 ग्राम ही हमने ये चमले लिए हैं, 4 बिल्कुल ही है। अभी बहुत महंगी हो रही है शिमला मिर्ची, बहुत महंगी है, तो 4 शिमला मिर्ची लिए, तो छोटी वाली लिए। यहाँ पर हमने हरी मिर्ची ली है, इसमें कुछ 2 कच्ची है, देखो एक तो ये कच्ची है और एक ये वाली कच्ची है, ये तीखी है, फिर ज़्यादा तीखी डाल देंगे तो बच्चे नहीं खाएंगे, तो यहाँ पर हमने 5 हरी मिर्ची ली है। और यहाँ पे 20 से 30 ग्राम ही हमने भिंडी ली है। अब सबसे पहला काम क्या करना है, ये जो है ना ये ज़रूर चाहिए आपको, अगर राजस्थान वाली मिक्स वेजिटेबल वाली कड़ी बना रहे हैं तो ये तो चाहिए। तो इसको क्या करते हैं, हम छील लेते हैं। ये दाने जब आएंगे ना, ये देखिए ये दाने जब कड़ी के साथ में आएंगे ना, मज़ा ही आ जाएगा दोस्तों। ये देखिए एक नंबर। चलिए मैं इनको ऐसे दाने निकाल लें, इनको हम छील लेंगे बाद में। चलिए यहाँ पे रखते हैं, आप शिमला मिर्ची ले लेते हैं। सबसे पहले हम शिमला मिर्ची को काट मारते हैं, तो ये देखिए ऐसे ये हटा देना है, फिर इस तरीके से इसको काट लेना। ये देखिए ये शिमला मिर्ची ऐसे काट लेनी है, और वीडियो में लास्ट तक बने रहे दोस्तों, लास्ट में डालेंगे एक ऐसी सामग्री, कड़ी का स्वाद और फ्लेवर बढ़ जाएगा, मज़ा ही आ जाएगा, शानदार हो जाएगी कड़ी हमारी, एक नंबर। और आप कड़ी पकौड़ा भी खाना भूल जाओगे, सच बता रहा हूँ दोस्तों मैं आपको, ये कड़ी पकौड़ा से भी बेस्ट लगती है, मुझे तो बहुत पसंद है। और जो सामग्री मैं आपको बताने वाला हूँ ना लास्ट में, बीच में भी बता सकता हूँ, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहे। और आप कहाँ से वीडियो देख रहे हो फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स में बता दो, कौन कौन रसोई के अंदर गर्मी के अंदर मेहनत करता है वो भी बता दो, सर्दी में मेहनत करता है सबको खाना खिलाने के लिए। ये देखिए शिमला मिर्च, वाह क्या बात है, तो छोटी है तो थोड़ा सा मेहनत लग रही है, अगर आपके पास बड़ी हो तो एक शिमला मिर्ची ले ले, उसे बारीक बारीक इस तरीके से काट ले, मज़ा आ जाएगा। ओहो, कड़ी मतलब कम पड़ने वाली है, पी जाओगे आप, चावल बना दिए तो फिर तो कम ही पड़ने वाली है, शानदार मतलब एक नंबर। ये दीजिए अभी ये शिमला मिर्ची मैंने अभी ऐसे रफली काटी है, अभी थोड़ा सा इसको मैं चाकू से देखिए बड़े वाले चाकू से ऐसे ऐसे करके और बारीक कर लूँगा। ये देखिए क्या बात है, एक नंबर। तो अभी तो ऐसे ही काट लेते हैं इसे रफली, आप भी ऐसा ही करें, और बीज नहीं निकालें, बीज भी डाल दें मज़ा आ जाएगा, क्या बात है। ये देखिए अब इसको मैं रफली चॉप कर लूँगा, पर ये देखिए ये भी हमें फेंकना नहीं, ये भी निकाल लेते हैं, महंगी है ना, डंठल तो नहीं डाल सकते ना, तो डंठल नहीं डालना है, ये निकाल लेते हैं। अरे इसमें भी तो शिमला मिर्ची है, देखिए क्या बात है, बहुत बढ़िया, मज़ा ही आने वाला है दोस्तों, ऐसी बनेगी कड़ी, उंगलियाँ प्लेट सब चढ़ जाएंगे। अरे लाइट जाना नहीं, मेरे को लग रहा लाइट जाने वाली है, वाह क्या बात है। अब आ जाती है देखिए ग्वार फली की बारी, ये रही ग्वार फली, इसमें कुछ पकी है कुछ कच्ची है, तो क्या करना है इसको ऐसे तोड़ना है, और तोड़ते थे मगर तार निकलता है, तार निकाल देना और इसको भी ऐसे तोड़ लेना है। ये देखिए इस तरीके से ये तार निकला, हटा देना, ये देखिए ये तार निकला, ये हटा देना, ये पक्की में से निकलेगा, कच्ची में से नहीं निकलेगा, फिर बाद में दांत में फंसेगा, ऐसे तोड़ लेंगे ग्वार फली को। ये देखिए क्या बात है, ये ग्वार फली भी तोड़ ली हमने, ये हो तार निकला भाई, ये देखिए इस तरीके से ग्वार फली तोड़ लेंगे। हरी मिर्ची को क्या करेंगे, हरी मिर्ची को इस तरीके से काट लेंगे। मेरी छोटी बेटी रो रही है तो हमें अब वीडियो छोड़ के जाना पड़ेगा, इस तरीके से गोल गोल, क्योंकि हमारे जो कैमरा मैन है उनको दूध पिलाना पड़ेगा बच्ची को,
तो बहुत ज़ोर से रो रही है। चलिए अब ये देखिए, ये काट लिया हमने, जिस तरीके से मिर्ची काट लेनी है, ये मिर्ची काट ली, ये देखिए मिर्ची काटने के बाद में इस तरीके से ही भिंडी काट लेनी है। ये आगा नहीं, ये आगा और पीछा काट लेना, और भिंडी को ऐसे काटना पतली पतली, ये देखिए पतली पतली, ये देखिए पतली पतली काटना। तो भिंडी को भी ऐसे काट लेंगे हम फटाफट। चलिए सबसे पहले भिंडी काट लेते हैं हम, बहुत बढ़िया। ये देखिए दोस्तों, भिंडी कट गई, चमले के दाने निकल गए, हरी मिर्ची कट गई, शिमला मिर्ची कट गई, ग्वार फली भी हमने तोड़ ली है। यहाँ पर हमने आलू लिया था एक बड़े साइज का, उसको बारीक बारीक काट लिया है, ये भी मस्त स्वाद देता, फ्लेवर देता है। और प्याज, ये तो जानी जानी है, मजा नहीं आएगा वरना, क्योंकि राजस्थानी कड़ी बन रही है। और ये है जान कड़ी की, 20 कलियां हमने लहसुन की ली थी और आयरन के स्रोत में कूट ली है, मोटी ली थी, मोटी इतनी मोटी होती है ना, इतनी मोटी वो, और आधा इंच अदरक इसमें कूट लिया है। यहाँ पर देखिए हमने बेसन इस कढ़ाई के अंदर भून लिया है, तो बेसन हमने यहाँ पे लिया था एकदम नाप के 100 ग्राम बेसन लिया था और इसको भून लिया हमने। जलना नहीं चाहिए ऐसे, जैसे आपको खुशबू आने लगेगी ना, जैसे बेसन की रोस्ट होने की या सेकने की जैसे खुशबू आने लगेगा, तो गैस को बिल्कुल लो फ्लेम पर करके 1 मिनट और सेक लें। तो ये बेसन भी तैयार है, आलू भी तैयार है, बाकी चीज़ें भी तैयार है। और यहाँ पर लिया है हमने खट्टा दही, जो खट्टा दही लिया हमने, ये लिया है हमने पूरे 400 ग्राम खट्टा दही डाल देंगे यहाँ पर। ये खट्टा दही यहाँ गया और अभी ये ठंडा है, इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा पानी, ये भी साफ हो जाएगा। ये देखिए इस तरीके से यहाँ पर, वीडियो को लास्ट तक देखें दोस्तों, तब भी आपकी कड़ी ऐसी बनेगी, उंगलियाँ चाटने वाली, प्लेट चाटने वाली, मतलब कटोरी ही चाट जाएंगे। ये लीजिए, अब इसको क्या करेंगे हम, इसमें थोड़ा सा पानी और डालेंगे 1 कप के आसपास, एकदम खट्टा दही लेना है, उसके बाद हमने इसमें डाल देंगे बेसन। बेसन डालने के बाद में इसमें डाल देंगे हम हींग, एक आधा चम्मच मतलब हींग डाल देंगे और अभी से फेंट लेंगे। अब बेसन डालते ही दोस्तों क्या होगा, और दोस्तों आप लोग मुझे बताओ कि अगर आप राजस्थान से हो तो, वैसे तो बोला जाता है कि राजस्थान के जो सिंधी होते हैं वो बनाते हैं, और वैसे राजस्थान में काफ़ी लोग बनाते हैं इसे, और अगर आप बनाते हो राजस्थान से हो तो मुझे बताओ नीचे कमेंट बॉक्स में कि मैंने कौन सा वेजिटेबल छोड़ दिया जो डालना चाहिए था। तो अब ये काफ़ी गाढ़ा है, तो 1 कप पानी और ये, क्योंकि अभी जब हम इसे, आगे बताता हूँ दोस्तों वीडियो में बने रहे, बेसन भूनने से पहले आपको बेसन को छानना है फिर ही भूनना है। अगर आप डायरेक्ट बेसन भूनेंगे तो क्या होगा, लम्स पड़ जाएंगे, वो नहीं चाहिए आपको। चलिए अब यहाँ पर हम करते हैं गैस को ऑन, और हमारी सुंदर सुशील वाली कढ़ाई ले लेते हैं। इसमें हम डालेंगे क्या, तेल ही डालेंगे यार दोस्तों, तो इसमें डाल देते हैं हम 4 से 5 चम्मच तेल। 2 ऑयली वाले यहाँ पर 1 बूंद डाल सकते हैं, इतना तेल तो जाएगा क्योंकि ये कड़ी बनने वाली है कम से कम 15 जनों के लिए, तो तेल को होने देते अच्छे से गरम। देखिए तेल अच्छे से गरम हो गया, सबसे पहले इसमें 4 से 5 लौंग डाल देंगे। आप अगर काली मिर्ची डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, फिर वो मुंह में आएगी ना यार दोस्तों, मजा नहीं आता। हल्का सा जैसे ही काली मिर्ची को तड़का लगेगा तो सीधा सिंपल हम डाल देंगे इसमें राई, 1 बड़ा चम्मच राई के दाने, छोटे वाले। राई को भी हल्का सा तड़का लगते ही 1/2 चम्मच जीरा और 1 छोटा चम्मच अजवाइन डाल देंगे। गैस को लो फ्लेम पे कर देंगे, खिड़कियां बंद कर देंगे, बाहर भैंस गाय पता नहीं कौन रो रहा है मुझे नहीं मालूम,
अब यहां पर इसको तड़का लगने देते हैं, आलू का पानी निकाल लेते हैं। छोटे छोटे ही काटने, ये लीजिए यहां पे तड़का, गैस को कर देते हैं हाई फ्लेम पे, थोड़ा सा चला देते हैं इस तरीके से। और ये इसको जलाना नहीं है, अगर जला दोगे तो स्वाद फ्लेवर नहीं आएगा दोस्तों। और जब भी आपको है ना मन करे ना कि कुछ और नहीं बनाना है, जैसे सब्जी बना बना के बोर हो जाते हैं, तो अब ये चीज बनाओगे ना आप तो मजा ही आ जाएगा। मतलब सब ऐसे चाट चाट के खाएंगे, मतलब चावल अगर इसके साथ हो खड़े वाले चावल, मजा ही आ जाएगा। तड़का लग गया, सीधा सिंपल प्याज डाल देंगे। आप बारीक काट के भी डाल सकते हो, उसे स्लाइस में कटी है ना, जब ये आएगी ना बाइट में आएगी मजा ही आ जाएगा। हल्का सा ऐसे करेंगे, उसके बाद अदरक और लहसुन डाल देंगे इसके अंदर पहली फुर्सत में। ये आयरन के शोट में कूटा था ना, डाल देंगे इसमें पूरा। ये ए भाई साहब, ये तो स्वाद और फ्लेवर बढ़ा देगा, मजा ही आ जाएगा, एक नंबर। चलिए मिला लेते हैं। अब यहाँ लहसुन डालने के बाद में ज्यादा पकाना नहीं है, प्याज को भी ज्यादा नहीं पकाना है। फिर वो प्याज को आप गोल्डन ब्राउन नहीं कर दोगे तो क्या होगा, यहाँ पर फिर बाद में जब कड़ी खाओगे ना तो प्याज का कोई फ्लेवर नहीं आएगा, क्योंकि हम सब्जी नहीं बना रहे, हम बना रहे कड़ी। और आपको क्या इसमें गलत लगा वो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना, आप क्या नहीं डालते और क्या क्या डालते हो वो भी बता देना नीचे कमेंट बॉक्स में। कहाँ से वीडियो देख रहे हो वो भी बता दो फटाफट जल्दी पहली फुर्सत में। ये देखिए लहसुन हल्का सा, राजस्थानी कड़ी होती है ना उसके अंदर हल्का सा लहसुन कच्चा सा रहता है। तो चलिए अब इसमें हम ये आलू डाल देते हैं। आलू गिर गए थोड़े से, ये आलू डाल के मिला लेते हैं। गैस देखिए हाई फ्लेम पर नहीं, आलू पकने में थोड़ा समय लगाएंगे, तो आलू मैंने पहले डाले। अब बाकी जो चीजें है ना, देखिए हरी मिर्ची ये सब डाल देंगे इसके अंदर। ये देखिए शिमला मिर्ची सब डाल देंगे इसमें, चमले भिंडी। क्या बात, मिला लेते हैं। अब इसे 2 मिनट आवाज कर रहा है ये वाला, ले लेते हैं 2 से 3 मिनट इसको चलाएंगे, ट्राई करेंगे सभी चीज़ों को। ये देखिए हमने 2 मिनट चलाया है, गैस देखिए हाई फ्लेम पर है, अरे हाई पे है। और अब इसमें डाल देते हैं हम 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, देखिए इतना। अभी गैस को लो फ्लेम पे करते हैं, हल्दी डाल देते हैं 1 बड़ा चम्मच, हल्दी से आएगा कलर कड़ी के अंदर मस्त वाला, और हल्दी होती है स्वास्थ्य के लिए लाभदायक। और डाल देंगे इसके अंदर 1 छोटा चम्मच काला नमक, और मैं यहाँ पे ये वाला डाल रहा हूँ। आपके पास जो नॉर्मल नमक हो वो डाल सकते हैं, ये 1/2 चम्मच आप स्वाद अनुसार ले सकते हैं, ठीक है। बाद में चखने के बाद में और डाल देंगे, यार लाल मिर्ची तो जाएगी ना यार दोस्तों। तो ये गई इसके अंदर 1/2 चम्मच लाल मिर्ची, चलिए मिला लेते हैं। मिला लिया। अब क्या करेंगे दोस्तों, क्योंकि अब ये पके नहीं है, तो पकाने के लिए क्या करेंगे, इसमें डालेंगे 1/2 कप पानी, थोड़ा सा कम है ये, 1/2 कप पानी। और ये मिलाया,
क्या बात है, गैस लो फ्लेम पर है और इसे ढककर रख देंगे पूरे 3 से 4 मिनट के लिए। पूरे 5 मिनट हो गए दोस्तों, बीच में हमने एक बार चेक किया था और अब ढक्कन हटा लेते हैं, मिला लेते हैं एक बार। लगनी नहीं चाहिए, चिपकनी नहीं चाहिए, बस आलू अच्छे से गल जाना चाहिए। अगर आलू गल गया तो आहा, आलू गल गया, क्या बात है। चलिए अब इसे उठा लेते हैं। आ जा भाई, यहां पर चढ़ा देते। ओहो भगोनी गरम, जल गया मैं। चलिए अब भगोनी वैसे ही गरम है, इस पर थोड़ा सा तेल डालेंगे, 1 चम्मच। तेल गरम होते ही ये देखिए, ये मिर्ची तीखी नहीं है, ये छोटी मिर्ची हमने घर में सुखाई है, बिल्कुल तीखी नहीं है, बिल्कुल तीखी नहीं है, सिर्फ 1% तीखी होगी। ये डाल देंगे, हल्का सा तड़का लगने देंगे। यहां पर डाल देंगे 50 ग्राम हरा धनिया, थोड़ा सा मिलाएंगे। और ये देखिए हमने ये बनाया था ना, ये थोड़ा सा फेंटेंगे और ये डाल देंगे। ठीक आ गए दोस्तों, ये लेंगे, इसमें डाल देंगे पानी, इसको भी साफ करेंगे। 1 से 1.5 कप पानी डाल के इसको भी इसमें डाल देंगे। और अब कड़ी को काढ़ना है। काढ़ने का मतलब दोस्तों क्या होता है, नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ फटाफट फटाफट, वैसे मैं बताने वाला हूं आपको। जैसे मीडियम लो फ्लेम पे गैस करेंगे और मीडियम लो फ्लेम पे से लगातार चलाते रहेंगे। अब पानी के रिक्वायरमेंट बेसन के अनुसार आएगी, पर भूनने के बाद में ज़्यादा पानी डालना पड़ता है। चलिए अभी से फटाफट इस तरीके से बबल आने तक, उबाली आने तक चला लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, इसके अंदर उबाली भी आ गई है और ये देखिए काफी गाढ़ी हो गई है। और अब ये देखिए हमारी कढ़ाई है ना, एक कढ़ाई उठाएंगे, अरे ढक्कन हटा, अरे सब्जी कहाँ गई, अरे वो कहाँ गई, अरे यार दोस्तों वो तो हमने निकाल दी है। ये पानी डाल देंगे, कढ़ाई भी साफ हो जाएगी, यहाँ पर पानी डालना जरूरी है, गाढ़ी हो गई है, क्या बात है। अब थोड़ा सा पानी और डालेंगे। अब आपको गाढ़ी खानी है तो आपके ऊपर है, पतली खानी है तो आपके ऊपर है। ये देखिए कढ़ाई में एक बार और डाल दिया हमने 1/2 कप पानी, ये भी डाल देंगे इसके अंदर, क्या बात है। चलिए एक बार और उबाली आने देंगे इसमें, ये देखिए क्या बात है। और थोड़ा सा पानी और, मेरे को लग रहा है कम है, तो थोड़ा सा पानी और डालेंगे 1/2 कप। चलिए अब एक बार उबाली आने तक और चला लेते हैं, अब पानी नहीं जाएगा इसमें, चला लेते हैं। ये देखिए दोस्तों एक बार वापस उबाली आ गई, देखिए आप देखिए अच्छे से देखिए, आ गई ना ऐसे बढ़िया से उबाली आ गई है। अब आपको लग रहा होगा ये कौन खाएगा, तो आपको 2 रेसिपी मिल गई। अगर ये भी कोई खाना चाहता तो वो भी खा सकता है ऊपर से तड़का लगा के, लेकिन हमने जो सब्जी फ्राई करी थी ना वो डाल देंगे सारी, मिला लेंगे अब। आप ये देखिए दोस्तों कड़ी, अब एक उबाली और आने देते हैं और डाल देते हैं इसमें थोड़ा सा धनिया। आपको कच्चा फ्लेवर पसंद है तो बाद में गार्निश करें, मुझे कच्चा फ्लेवर पसंद नहीं है, हरे धनिए का चाट में पसंद है सिर्फ, सब्जी में नहीं। चला लेते हैं, आय हाय ये देखिए, ना तो देखिए पतली है ना गाढ़ी है, और ज़्यादा आप गाढ़ी कर दोगे तो मज़ा नहीं आएगा खाने में। और अभी जिसको चलाएंगे फिर उसके बाद जब इसको सर्व करेंगे तो वैसे भी गाढ़ी होने वाली है। ये देखिए ये इसके अंदर है हमारे सीक्रेट सामग्री, इसके बिना मज़ा नहीं आएगा। चलिए अभी इसे चला लेते हैं, यहाँ पर एक उबाली और आने देते हैं। देखिए दोस्तों एक बार और उबाली आ गई है, देखिए अच्छे से
साहब ये रही सीक्रेट। दो नींबू डालने हैं यार, सीक्रेट क्या है इसमें, कोई सीक्रेट नहीं है। दो नींबू ले लेने हैं और इनको ऐसे काट लेना है। कट जा भाई, ये दो नींबू और ये लीजिए। देखिए उपाली, गैस को कर देना बंद, गैस बंद करके ही नींबू निचोड़े, वरना क्या हो जाएगी कड़ी खराब। ये आधा नींबू, फिर ये आधा नींबू यानी हो गया एक नींबू, फिर ये आधा नींबू यानी हो गया डेढ़ नींबू, और फिर ये आधा नींबू यानी हो गया दो नींबू। क्या बात है, और ये मिला लिया। तो फ्रेंड दोस्तों, ये कड़ी एक बार बना के देखना, उंगलियां नहीं प्लेट नहीं मतलब कम पड़ने वाली है, सच बता रहा हूँ। मैं तो सोच रहा था ये पूरी भगोनी भरेगी, लेकिन मैं ज़्यादा पतली नहीं बनाना चाह रहा हूँ, क्योंकि हम चावल के साथ नहीं, हम रोटी के साथ में खाएंगे। तो फ्रेंड दोस्तों, रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी बटन दबा के ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट करें, ऐसी रेसिपी पाने के लिए मेरे चैनल पर भी कभी रेसिपी उन्हें देखिए, बनाइए, खिलाइए और तारीफ पाइए, क्योंकि जो मजा खिलाने का है वो खाने का नहीं है। और जब इसके अंदर वेजिटेबल डालें, जब वो कचर कचर करेंगे ना मुँह में, मजा ही आ जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, बनिए बनाइए जो कड़ी, उसे खाकर खत्म करते हैं मस्त पराठे के साथ।